गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डॉक्टर एस के सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 बताया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में समझाया हुआ था। और अभी हम एक डॉक्टर एस के सिंह की बुक से हमारा पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये हमने लाइन खींच के रख लिया है, ट्रायल बैलेंस ऑफ नाम है, तो आप यहाँ पर नाम का प्रयोग करेंगे, डेट यहाँ पर लिखेंगे हम एज ऑन, और इसका फॉर्मेट होता है ना इस तरह से, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप स्केल से खींचेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर जो है सीरियल नंबर होता है, पार्टिकुलर्स LF, और ये अमाउंट, और यहाँ भी अमाउंट, एक DR होगा दूसरा CR होगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000। फिर आगे है परचेज, परचेज एक्सपेंस होता है, हमने रूल लिखा हुआ था इससे पहले वाले वीडियो में कि ऑल एसेट्स एक्सपेंस आर डेबिट बैलेंस, इसको हम डेबिट में लिखेंगे, हम ऑल इनकम गेन एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल आर CR बैलेंस। तो आपको CR में जो है क्या सब लिखना है, इनकम प्रॉफिट गेन एंड लायबिलिटी को लिखना है। तो ये परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट में लिखेंगे हम 85,000। फिर आगे है सेल्स, सेल्स हमारा इनकम होता है, इनकम को CR में लिखते हैं 1 lakh। परचेज रिटर्न, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, परचेज डेबिट होता है तो इसका रिटर्न अपोजिट CR में हो जाएगा, दिया हुआ है परचेज रिटर्न 8,000। फिर आगे है कैपिटल, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होता है, सॉरी बिजनेस के लिए, ये 60,000 एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे है सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी ये है 7,000, और कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन आपको मिला है तो ये आपके लिए क्या है, इनकम है, इनकम CR में जाएगा। फिर आगे है कैश, कैश हमारे लिए एसेट्स होता है, एसेट्स को हम डेबिट में लिखते हैं कितना 5,000। आगे है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बैंक में जितना आपका डिपॉजिट है ना आपने उससे अधिक विथड्रॉ किया हुआ है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपका बैंक में जमा है 5,000 तो आपने बैंक से निकाल लिया है 10,000, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, ये CR में जाएगा। और एट लास्ट लिखा हुआ है मशीनरी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, 58,000, और तलपट का रूल कहता है कि ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, इफ़ एनी डिफिशियंसी दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। हम बताए हुए हैं कि यदि कोई कमी होती है ना, तो यदि बहुत प्रयास के बाद भी दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कमी वाले भाग में कमी की रकम के लिए सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये बैलेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो आइए देखते हैं, 8, 2, 10, 5, 15, 6, 1, ये हो गया 1,75,000। तो DR में भी इतना ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो सवाल या तो गलत हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है। आइए जोड़ते हैं, 5, 7, 12, 5, 17, 17, 8, 25, 2 आ गया, 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 8, 17, ये देखिए ये आपका इक्वल हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कुछ कमेंट करना ना भूलेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ओके, थैंक यू।